हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक होंगे। और आज फिर मैं आ गई आज का इवनिंग थॉट लेके। तो यस, किसी ने कहा है कि जब जीवन ही नश्वर है तो फिर हम छोटी छोटी दिक्कतों से क्यों घबराते हैं। इट मीन्स कि लाइफ ही टेम्प्रोरी है, तो लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स कैसे परमानेंट हो सकती हैं। इसलिए अगर आप ही उन लोगों में से है जो लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ही ऐसा हूँ जो जिसे प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी सबकी लाइफ स्मूथ चल रही है, तो पहला मिसकॉन्सेप्शन ये हटाइए कि सिर्फ आप प्रॉब्लम है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कुछ उसका सामना इस तरीके से करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, और कुछ होते हैं जो अपसेट हो जाते हैं और प्रॉब्लम से डर कर बैठ जाते हैं, और कुछ होते हैं जो जो लड़ते हैं, और आप उनमें से बनिए, लड़िए प्रॉब्लम से, ना कि बैठ जाइए डर के और अपसेट हो के, खुद भी परेशान हो, दूसरों को भी परेशान करें। क्योंकि प्रॉब्लम तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है, लेकिन वो जो फेस है ना प्रॉब्लम का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ब्रेवली पास करना, आप उस फेस को बहुत ब्रेवली और बहुत अपनी सारी एनर्जी को पॉजिटिव एफर्ट की ओर चैनलाइज करके, तब उस फेस को आप आसानी से पास कर जाएंगे। और वो फेस आपको जो एक्सपीरियंस दे जाएगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो किसी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम वाली फेज में आप हैं, तो अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एफर्ट में चैनलाइज करिए। क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म है ना, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कर्म करिए, और जब सही समय आएगा तो फल भी वो आपको देगा, ज़रूर देगा, उस पर भरोसा रखिए। सो यही था आज का इवनिंग थॉट। कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।